बचपन से हम देख रहे हैं कि ट्रैक्टर और जेसीबी के आगे के टायर छोटे और पीछे के टायर बड़े होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं SSN मीडिया। आपको भी जानना हो ऐसे किसी अनसुने तथ्य के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में आज भी गाँव में घर घर पर ट्रैक्टर मिल जाते हैं। देश दुनिया में ट्रैक्टर का आज भी कृषि के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा उपयोग है। ट्रैक्टर बरसों से खेती की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इसके बावजूद भी हम इसके कई सामान्य चीज़ों के बारे में जानने से वंचित हैं। ट्रैक्टर लैटिन भाषा के ट्रैक्शन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है खींचना। ज़्यादा खींचने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि इंजन ही ज़्यादा शक्तिशाली हो। गियर और वाहन के वजन वितरण में बदलाव कर भी यह काम आसानी से किया जा सकता है। आम तौर पर लोगों में बड़ी गलतफहमी है कि ट्रैक्टर का इंजन बहुत शक्तिशाली होता है, पर ऐसी बात नहीं है। एक आम कार का इंजन ज़्यादातर ट्रैक्टर के इंजन से ज़्यादा पावरफुल होता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि बेलेनो कार का इंजन 90 हॉर्स पावर होता है और वहीं जॉन डियर ट्रैक्टर 50-55E का इंजन 55 हॉर्स पावर होता है। इस तुलना में हम देखते हैं कि ट्रैक्टर की शक्ति कार के इंजन का मात्र 2/3 होता है। ट्रैक्टर का पहिया घुमाने या खींचने की क्षमता को टार्क कहते हैं, जो 1.5 गुना ज़्यादा होता है। ट्रैक्टर में सामने के पहियों को छोटा रखा जाता है क्योंकि उसकी त्रिज्या कम होती है, जिस कारण से उसे स्टेयरिंग की मदद से आसानी से मोड़ा जा सकता है। बड़े पहिए की तुलना में वजन में हल्का होने के कारण कंट्रोल करने में भी आसानी रहती है। ट्रैक्टर को आम तौर पर सामान खींचने के लिए ही डिजाइन किया जाता है, लेकिन इसके आगे के पहिए छोटे व पीछे के पहिए बड़े होते हैं। ट्रैक्टर का काम अगर ज़्यादा वजन खींचना है तो पहिया भी उसी अनुरूप होगा, इसलिए इसके कार्य की वजह से इसके पहिए बड़े होते हैं। ट्रैक्टर को आम तौर पर ऊबड़ खाबड़ सतह पर, खेतों में, कीचड़ आदि जगह पर चलाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ताकि कृषि से संबंधित सभी प्रकार के कार्य आसानी से किए जा सकें। ऐसे में बड़े पहिए ऐसी सतह या कीचड़ में आसानी से घूम जाते हैं, लेकिन छोटे पहिए वहीं धंस जाते हैं। ट्रैक्टर के अगले पहिए छोटे होने से खेतों में काम करते समय आगे देखने में भी आसानी होती है। ट्रैक्टर का इंजन आगे होता है, इसलिए वेट को बैलेंस करने के लिए बड़े पहिए लगाना जरूरी होता है। बड़े पहिए लगाने से एक और फायदा है कि जब लोड को खींचना हो तो ट्रैक्टर आगे से नहीं उठता है। अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि ट्रैक्टर और जेसीबी के आगे के टायर छोटे और पीछे के टायर बड़े क्यों होते हैं। मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो SSN मीडिया चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।